गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन मैं आज आपको के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेके आई हूँ जिसके थ्रू आप अपने पेट का फैट कम करेंगे। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे साथ हमारी जो भी बॉडी की बीमारी स्टार्ट होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट से स्टार्ट होती है। और हमें क्या करना है कि अगर हम उस पेट को ही स्वस्थ रखेंगे, उस पेट पे ही कोई भी फैट नहीं चढ़ने देंगे, कोई ऐसी हार्म चीज़ें नहीं आने देंगे, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। इस रेमेडी के साथ सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसे डायबिटीज़, जिनका शुगर लेवल काफ़ी हाई है उनका लो होगा। इवन मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो लोग भी इस रेमेडी को लें वो प्रॉपर तरीके से अपना शुगर लेवल चेक कराते रहें, वरना उनका शुगर लेवल काफ़ी लो हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बीपी पेशेंट इसे ले सकते हैं, लेकिन उन्हें भी जो है डेली बेसिस, डेली नहीं लेकिन हाँ वीक में अपना जो है वो चेकअप कराते ही रहना है। इतना कारगर उपाय जो आज मैं आपको बताऊँगी, बॉडी फैट पूरी तरह से गला के रख देगा, पेट का फैट पूरी तरह से गला के रख देगा। इवन पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आपका पेट नहीं साफ होता है, और भी जितनी चीज़ें हैं ये उससे आपको काफ़ी हद तक निजात दिलाएगा। हद नहीं, मैं तो बोलूँगी 100% निजात दिलाएगा। कुछ भी नहीं करना है, जिनके पास भी टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम है, इससे आसान रेसिपी आज तक मैंने आपको YouTube पे अपने चैनल पे नहीं बताई और ना ही किसी ने आपको बताई होगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, और सबसे अच्छी बात है आपको कुछ मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है। ये दो चीज़ें सिर्फ आपके किचन में अवेलेबल हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इवन जो छोटे से छोटा भी इंसान है, यानी कि जिसकी कोई आमदनी नहीं है या जो कोई भी ऐसा नहीं है, तो वो लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट हैं उनका शुगर लेवल काफ़ी हाई है और इवन वो मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस चीज़ को लें तो काफ़ी हद तक उनका शुगर कंट्रोल में आएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स इस रेमेडी के लिए आपको ये सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। सोच रहे होंगे दो डिब्बों में क्या दो चीज़ें हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। और ये आपके किचन में, सभी किचन में होती है। एक तो कलौंजी, ये ब्लैक डिब्बा ब्लैक है तो आपको दिखने रहा, और ये है अजवाइन। आपको इसे क्या करना है, हाफ टेबल से भी स्पून, हाफ टेबल स्पून आपको वो लेना है, उतनी ही क्वान्टिटी में आपको कलौंजी चाहिए। और इसको आपको मॉर्निंग में खाली पेट ऐसे ही हल्के गुनगुने पानी से लेना है। और जिनको थोड़ी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है वो इस बात का ध्यान रखें कि वो ऐसे नहीं लेंगे, वो बॉयल करके देन छान के लेंगे। तो इस दो तरह से आपको लेना है। इसके बाद देखिए आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा, पेट पूरी तरह से अंदर धस जाएगा, जिसे मैं बोलूँगी कि पेट में लग जाएगा, बिल्कुल भी फैट नहीं रहेगा आपके कमर में, क्योंकि जो भी फैट जमा है, चर्बी जमी है पेट पे, वो शुगर की जमी हुई है या फिर ऑयल की जमी हुई है, जिसे निकाल के हमें बाहर फेंकना है। तो इस तरह से ये दो चीज़ें आपको लेनी है। और आई थिंक इन दोनों के बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो मैजिकल बेनिफिट हैं इसके। अजवाइन भी आप जानते हैं कि आपके एसिडिटी के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, और जो कलौंजी है वो भी एक मैजिकल वर्क करेगी आपके पेट पे। तो एक बार इसे ट्राई करिए, जैसा भी इफ़ेक्ट हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोनों की क्वांटिटी बराबर हो, और इसे जो लोग स्टोन वाले हैं वो बॉयल करके लेंगे, जिनको स्टोन की दिक्कत नहीं है वो ऐसे ही लेंगे। साथ ही साथ जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम है वो अगर इसे लेना स्टार्ट करेंगे तो साथ ही साथ अपना डायबिटिक रेगुलर बेसिस पे चेक कराएंगे, वरना जो है आपका डायबिटीज़ लेवल इतना, आपका शुगर लेवल इतना नीचे चला जाएगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यही सेम चीज़ मैं अगर जो है बीपी पेशेंट को भी कहना चाहूँगी कि वो भी रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराएँ। मैंने वीडियो में पहले बोला था रेमेडी को अगर आप लेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, विजिबल रिजल्ट है। सिर्फ 1 वीक में ही आप इसका फर्क देखोगे। और जैसा मैंने बोला था किचन के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जी हाँ बिल्कुल किचन के इंग्रेडिएंट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी नागपंचमी।